इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मोहगांव जलाशय डूब प्रभावित क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को एक बार फिर कलेक्ट्रेट के सामने अस्थायी रूप से धरना दे दिया है, जिसमें किसानों ने डूब प्रभावित किसानों की छूटी हुई परिसंपत्ति और अन्य समस्याओं का निराकरण करने की मांग जिला प्रशासन से की है। देर शाम तक किसान कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में धरने पर बैठे हुए थे, जहां पर उनके भोजन की व्यवस्था किसान नेता गगन चौधरी के द्वारा की गई। कांग्रेस उत्सव प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आनंद बख्शी को गिरफ्तार करने भोपाल से पुलिस दल आया है, जिसके बाद जिले की राजनीति में उफान आ गया है। पुलिस दल किस कारण कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने आ रही है, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। आनंद बख्शी को गिरफ्तार करने की खबर मिलने के बाद जिले के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके निवास स्थान पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष नंदकिशोर सूर्यवंशी सहित कांग्रेस संगठन से जुड़े अन्य नेता और पार्षद भी उनके निवास स्थान पहुंचे। कांग्रेस नेता आनंद बख्शी ने अपने घर में पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने कहा है कि आप सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र को दबाने की तैयारी हो रही है, पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल देर शाम तक उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। रेनेसा टीसीएस यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टेक्निकल बैच के विद्यार्थियों एवं नीट 2023 में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को कमलनाथ एवं नकुलनाथ ने गुरुवार को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कमलनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ना मेरी पहली प्राथमिकता है। रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए चयनित हुए विद्यार्थी इसे एक अवसर की तरह मानकर इसका पूरा लाभ उठाएं और अपना बेहतर करियर बनाकर अपना एवं अपने जिले का नाम पूरे देश में रोशन करें। करियर फास्ट द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि जो उन्होंने नीट निःशुल्क कोचिंग चलाकर मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। और मैं माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और सभी बच्चे का नाम माता पिता छिंदवाड़ा का नाम रोशन करते। आप सबको बधाई, आप सिलेक्ट हुए, आपने नीट की ट्रेनिंग करी, मनोज सोनी जी ने कराई। इससे इसका पूरा रस निकालना है, पूरा लाभ उठाना है। कैसे ये लाभ उठाएंगे? आप रेनेसांस में तो पहुंच गए, पर इसका कैसे आप पूरा लाभ उठाएंगे, ये तो आपके हाथ में है। मेरा प्रयास है कि हमारे छिंदवाड़ा के बच्चों की पूरे प्रदेश में पहचान बने, ये हमारा जिले की अपनी पहचान है। आप भी दूसरे जिले में जाते हैं, देखते हैं ना, छिंदवाड़ा अलग है। और ये आज कांग्रेस का आप जहां भी रहे झंडा ऊंचा रखे, ये मेरा आप सबसे निवेदन है, छिंदवाड़ा का नाम आप रोशन करें। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला कलेक्टर शीतला पटले द्वारा खनिज विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में की गई। कलेक्टर ने खनिज विभाग की समीक्षा करते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में शिकायतों के आधार पर जिले के नदी नालों में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने एवं वाहनों को रास्ता जैसी कार्रवाई को लेकर कलेक्टर शीतला पटले द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पिछले तीन दिन से गर्मी और उमस से छटपटा रहे शहर को गुरुवार की दोपहर को कुछ राहत मिली। सुबह हल्की धूप से साथ ही वातावरण में गर्माहट ज्यादा महसूस की जा रही थी। दोपहर बाद अचानक बादल छाए और 12:30 बजे से जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो लगभग एक घंटा होती रही। झमाझम हुई बारिश ने लोगों को राहत दी तो गर्मी से छटपटा रहे शहरवासियों को भी कुछ ठंडक महसूस हुई। अच्छी तेज और लगातार हुई बारिश से शहर का माहौल फिर से ठंडा हो गया। शहर के आसपास के इलाकों में भी दोपहर को बारिश होने के समाचार मिले हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज,
फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में ग्रीन सप्ताह के अंतर्गत आज विद्यालय के छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। इस आयोजन में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्राचार्य जयेश डबली ने बताया कि विद्यालय में नीम, पीपल, आम, सहजन, नारियल के लगभग 107 पौधे लगाए गए। सीधी कांड को लेकर आज आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन के द्वारा भी आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिले में जो निंदनीय कृत्य है, पूरे समाज को, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है, हर एक समाज को तार तार करने वाली जो घटना हुई है, प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी के साथ किया गया है, उसका ये अकेले का मानहानि नहीं हुआ, पूरे समाज का मानहानि हुआ है। उसके मुआवजे के रूप में हमने 1 करोड़ रुपए की मांग की है और दोषी के खिलाफ फांसी की सजा की हमने मांग की है, ताकि हर समाज के व्यक्ति को एक सबक मिल सके कि दोबारा ऐसी घटना कोई करने की हिम्मत न करे। गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा आज सीधी जिले में आदिवासी के ऊपर पेशाब करने के मामले में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मामले को लेकर गोंडवाना पार्टी के द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। सीधी में हुई घटना जिसमें पेशाब किया गया हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर, हीन भावना से अगर कोई पेशाब करे, पूरा आदिवासी समाज और यहाँ पर मूल निवासी समाज शांत नहीं बैठेगा। इसको मैं मूत्रकाल कहूंगा, जिसमें एक आदिवासियों के ऊपर निर्दय अमानवीय तरीके से पेशाब करके उसको जलील किया गया और पूरा का पूरा आदिवासी समाज की आज ये स्थिति है कि हम लोग आंदोलन अगर करें तो हमें नक्सली बोल देते हैं। छिंदवाड़ा में भी यही हालत पूरे आदिवासियों की हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा सीधी जिले में आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले पूर्व भाजपा विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। सीधी जिले में जो अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतिनिधि ने जो हमारे समाज के ऊपर जो यूरिंग किया है, पेशाब किया है, उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के 53 जिलों में ज्ञापन दिया है, आज वो छिंदवाड़ा में दिया है। छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर आज यातायात पुलिस के द्वारा दोपहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई हुई, जबकि गाड़ी का सीट बेल्ट नहीं पहनने और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों पर भी यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। हम लोगों ने लगभग 10 वाहनों पर ओवर स्पीड कार्रवाई की गई, बाकी अन्य गाड़ियों में अपने सीट बेल्ट वालों कार्रवाई की गई, क्योंकि एक्सीडेंट होने से अधिकतर जो कारण है ओवर स्पीड और सांस लेने का सीट बेल्ट नहीं लगाने का, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। हम लोग लगातार कभी सिवनी रोड में और कभी नागपुर रोड में जाकर कार्रवाई करते हैं।